ये देखो कितना ज्यादा मैंने बवंडर ला दिया, बवंडर। थारा भाई जोगिंदर की तरह बवंडर ला दिया हमने किचन में। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉगर तनीषा। आज मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ। ये देखो, ये मैंने ले लिए हैं प्याज, मिर्ची, ये ले लिए कटे हुए आलू। यहाँ पे तेल गरम हो रहा है और ये रहा हमारा पेस्ट। मम्मी ने बोला कि आज, मम्मी बोली कि है ना तू बना पकौड़ियाँ, जबकि मुझे आती नहीं है बनानी, पर ये है मुझे कोई गाइड कर देता है ना तो मैं बना लेती हूँ। अब मुझे पता चल ही गया है कैसे बनानी है, तो मैंने तैयारी तो कर ही ली है। चलो आपको दिखाती हूँ। डालो तो सही। नहीं आएगा आज पे, नहीं आएगा। ये इसकी आंखें दोनों और ये मुंह फाड़ रहा है, आ कर रहा है, आ उसका मुंह में तेल पड़ा, जो तेल निकालो वो मुंह वाला। स्माइली पागल हो गए, अरे आंखें खड़ी गई थी, दिखा तो उठा, अरे अभी तो आंखें दिख रही थी, अब पुकाया तो बाप उल्टी गड़ो गई। भाई ये जो कि ये पढ़ते ही साथ चेंज हो गया बस। थोड़ा कष्ट करके आ गया हाथ, अरे तो हमारा हाथ चेट जाओ कहा है, चेट चिपक जानी चाहिए वरना जा पागल सी डाल जी। हेलो गाइस, देखो दीदी ने पकौड़ियाँ बनाई है, वो भी बहुत टेस्टी। मैं ऐसे पकौड़ियाँ ज्यादा नहीं खा पाती हूँ, लेकिन अभी मैंने बहुत सारी पकौड़ियाँ खाई है। तो गाइस पकौड़ियाँ तो बन गई है, देखो मेरा हाथ भी खराब हो गए और हाथ ही नहीं। मैं आपको किचन की हालत दिखाती हूँ, किचन की हालत देखोगे आप, ये देखो। सो गाइस किचन की हालत देखो आप, ये यहीं तक नहीं है सीमित, ये फ्लोर पे भी छींटे ही छींटे। ये देखो कितना ज़्यादा मैंने बवंडर ला दिया, बवंडर। थारा भाई जोगिंदर की तरह बवंडर ला दिया हमने किचन में। और इतने सारी पकौड़ियाँ मैंने बनाई, ये पूरा भर के देख सकते हो आप। कढ़ाई भी बेचारी मर चुकी है, पूरा किचन गंदा हो गया। हाँ मैं मेरी दादी को सर्व करने जाऊंगी पकौड़ियाँ, बाकी इन लोगों ने तो खा ली और इन लोगों ने तारीफ भी कर दी और बुराई भी कर दी। अब मैं मेरी दादी को दिखाऊंगी, मेरी बहन तो इसको तो कुछ भी खिला दूँ या हमेशा बुराई करेगी, क्योंकि ये है ही ऐसी पकौड़ियाँ। एक पकौड़ी के अंदर दो दो आलू घुसा रखी है, इसको पकौड़ी बनाने खेते हैं कि भाई दो दो आलू को घुसाते हैं पकौड़ी के अंदर। ये बहुत झूठी है और ये हमेशा बुराई करेगी हमारी, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी बुराई करेगी। भाभी बताएगी, भाभी प्लीज टेल मी कैसी थी पकौड़ी? बहुत टेस्टी थी, बहुत अच्छी थी। आपकी कसम, इनकी कसम, मैंने कोई बुराई नहीं करी, बाकी मेरी एक पकौड़ी में दो आलू जरूर निकले। एक पकौड़ी में दो आलू निकले, आप भी ये बोलो एक पकौड़ी में दो आलू। हाँ बाकी ये जरूर बोला था मैंने कि बाहु मेरी पकौड़ी में दो आलू, तो ऐसे बोले कि हाँ दो आलू निकल गए। और अंकित ने भी खाई, अंकित मेरे भाई। चलो अब मैं दादी को लेके जाती हूँ और दादी का रिएक्शन देखेंगे,
पहले मैं मेरे हाथ धो लूँ, ये देखो कितने गंदे हो रहे हैं। बवंडर आ गया, बवंडर। सो गाइस, दादी के लिए लेके जा रही हूँ पकौड़ियाँ गर्मा गर्म। और ये जो छोटी छोटी है ये बिना आलू की है, ये हमारी ये पागल तानिया नहीं खाती है आलू वालू की, और सिमरन भी नहीं खाती, इसलिए उसके लिए हम थोड़ी सी ये ले जाते हैं और बाकी दादी के लिए आलू की। मुझे तो देखते खाने का मन कर रहा है, पर मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही तेल में हो गई, इनके ऊपर तेल बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्या पता पहली बार बनाई है गाइस मैंने। ओके, ये मेरी दादी जी के लिए लेके जा रही हूँ, देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। चल चल आगे चल तू। रो बाप रे, अभी तो गिर जाती, पैर फिसल गया एकदम से सीढ़ियों में से, कैमरे में ध्यान चला गया। दादी मैं आपके लिए लाई हूँ गर्मा गर्म पकौड़िया मेरे हाथों की बनी हुई। सो गाइस, दादी के पास आ चुकी हूँ और हम तो राजस्थानी हैं, दादी से मारवाड़ी में बात करते हैं। हाँ भाई दादी बता, पकौड़िया खा के बस पकौड़ियान की लग रही जा। आलू की पकौड़ी बहुत अच्छी बनती है, आलू की पर मैंने बनाई है पहली बार, तो बुरी भी बन सकती है। बहुत अच्छी है सच में बहुत अच्छी है। आलू की पकौड़ी गरम गरम अच्छी लगती है, जैसे तू मेरे को अच्छी लगती है वैसे पकौड़ी अच्छी लगती है। देखो दादी को तो बहुत अच्छी लगी पकौड़ियाँ, मेरी दादी पहली बार खाई क्योंकि बनाई मैंने पहली बार है मेरे हाथों से। तो तू अच्छी है तो तेरी पकौड़ी भी अच्छी बनेगी, और तू भी अच्छी है तो पकौड़ी भी अच्छी है। और सिमरन, ये मैंने तेरे लिए बिना आलू की बना दी है, ये खा लेना, वो छोटी छोटी है ना इधर वाली, ये बिना आलू की अच्छी लगती है। हाँ खाने लिए आलू की, सिमरन के लिए बिना आलू की। अब तो खा मजा कर और खेबो चावली मारी ऑडियंस ना। कह रही हूँ भाई कि ये मेरी पोती है, बहुत अच्छी है और मेरा काम करती है, मेरे पास रहती है, अच्छा मेरा कहना मानती है, जो भी कुछ बनता है वो मेरे को लाके खुलाती है पहली, बाद में आप खाती है। ये है भाई मेरी पोती, बाय बाय कर दो बाय, और अपने राजस्थानी भाषा में राम राम भी कर दो। राम राम साहब, राम राम। सिमरन कैसी लगी? यह हमेशा है ना आलू निकालती है, मिर्ची निकालती है, प्याज निकालती है, इसलिए मैंने इसको सिर्फ बेसन की पकौड़ियाँ बना दी। आलू छोड़ देना। और दादी इसके बन निकाले हुए आलू खाती है, ये ऐसे करती है। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऊपर जाती हूँ। हमारे यहाँ 3 फ्लोर है और दादी ग्राउंड फ्लोर पे रहती है, और हम सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर। सो गाइस, कैसा लगा आज का व्लॉग? मुझे पता है कुछ लोगों ने बुराई करी होगी पकौड़ियों को देखकर, पर पहली बार बनाई है क्या करूँ, करते रहो आप लोग बुराई, ऐसे ही धीरे धीरे सीख जाऊँगी। पर पहली बार मैं इतनी अच्छी बन गई, इस बात की खुशी होती है हमेशा, मुझे कोई मुझे गाइड कर देता है ना तो मैं अच्छी बनाती हूँ सारी चीज़ें। सो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन।